हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वे सरोहा है। चलिए इस वीडियो में हम आज रिप की एडवांटेज के बारे में हम पढ़ेंगे। हम अपने पुराने लैब को ही ले लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में हर राउटर के अंदर रिप को कॉन्फ़िगर किया था और अब इस टाइम पे हमारा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है तीनों राउटर। मान लो मैं यहाँ पे एक राउटर और ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करेंगे, ठीक है। और एक कंप्यूटर भी ले लेते हैं हम यहाँ पे लैन के लिए, और इसको कनेक्ट कर देते हैं, और हमारी सीरियल पोर्ट, अब राउटर पे हमारी सीरियल पोर्ट है नहीं, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। राउटर को पहले ऑफ, और यहाँ से कोई भी एक सीरियल पोर्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दी। राउटर को ऑन कर देते हैं और यहाँ से सीरियल पोर्ट ले लेते हैं। हमारी 11 इस्तेमाल 10 को हमने राउटर की 11 से कनेक्ट कर दिया। मान लो हम यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग इस्तेमाल करते हो। अब स्टैटिक राउटर में यदि कहीं से भी कोई एक नेटवर्क जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद हमें स्टैटिक राउटिंग के अंदर इस रूट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस राउटर पे भी, इस राउटर पे और इस राउटर पे, जितने भी आपके राउटर जुड़े होंगे, हर राउटर के पे इंडिविजुअली जा जा के आपको हर राउटर के अंदर इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी। क्योंकि इन राउटर ऑटोमेटिक, जो हमारा स्टैटिक राउटर, इस राउटर को तो ऑटोमेटिक अपडेट आप यहाँ से लेगा नहीं, तो वो तो हमारा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। लेकिन स्टैटिक राउटिंग में आपको कोई भी नेटवर्क जुड़ेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हर राउटर पे आपको अपडेट करनी पड़ती है। इस पे तो करेंगे करेंगे, प्लस हमें इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, हर राउटर पे करना पड़ेगा। तो रिप की कंडीशन में, रिप में बस खाली हमें इस ही राउटर पे ही अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है, और हर 30 सेकेंड, आपको पता है कि रिप आपके हर 30 सेकेंड का अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करता है। तो ये अपनी राउटिंग टेबल को यहाँ फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ से ये वाले जो राउटर है ये इसके नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे अपडेट। तो एक एक करके आपके हर राउटर पे इस रूट की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो इस पे तो हमें रिप के दो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको खाली इसी राउटर पे जाके इस इंटरफेस पे आईपी डालना पड़ेगा। क्योंकि आपके मान लो पंजाब वाली लाइन पे जो एक नई लाइन आके जुड़ी, लीज लाइन, तो वो जिस इंटरफेस पे जुड़ी उस पर तो आपको आईपी असाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो आईपी असाइन करेंगे, इस पे हम डाल देते हैं 60.1.1, और सेकेंड वाले पे डालते हैं हम यहाँ पे 60.1.1.2, और लैन इंटरफेस पे डाल देते हैं 70.1.1.1, और इस पीसी पे आईपी होगा हमारा 70.1.1.2। डायनेमिक राउटिंग का, रिप का हमारा यही फायदा होता है कि हमें हर राउटर पे जाके रूट को मेंटेन करना नहीं पड़ता, हमें बस खाली अपने ही रूट की इंफॉर्मेशन राउटर को देनी पड़ती है। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस इंटरफेस पे, यानी कि जो हमारी ये वाली इंटरफेस है सीरियल 1/1 पे और फास्ट इथरनेट पे ऊपर हमें आईपी डालना है। तो राउटर पे गए, यहाँ पे एन अनेबल मोड, कॉन्फ़िगर मोड, और यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट, उस पे हमें आईपी असाइन करना है आईपी एड्रेस 70.1.1.1.255.0.0.0 एंड अर नो सेट, और हमारी एक वैन इंटरफेस है सीएल 1/1 आईपी एड्रेस, हमारे इस इंटरफेस का आईपी है 60.1.1.2 है, तो यहाँ पे हम यही आईपी डालेंगे, एंटर नो सेट। एक बार हम इसका कंट्रोलर भी चेक कर लेते हैं, तो सो कंट्रोलर S 1/1,
यदि ये DCE है तो DT है हमारा, तो हमें यहाँ पे कमांड नहीं चलानी पड़ेगी क्लॉक रेट की। अब आते हैं इस इंटरफेस पे, वन फॉरवर्ड स्लैश जीरो पे, तो हमें यहाँ पे भी IP डालना पड़ेगा जस्ट इस वाले राउटर पे। तो बस हमें IP ही डालना है और कुछ भी नहीं करना। तो इंटरफेस जो हमारा है, इंटरफेस सीरियल वन फॉरवर्ड स्लैश जीरो, IP एड्रेस 60.1.1.1 255.0.0.0 69। और एक बार इसका भी हम कंट्रोलर चेक कर लेते हैं, सो कंट्रोलर्स यहाँ देखिए DCE है तो हमें यहाँ पे क्लॉक रेट सेट करना पड़ेगा। इंटरफेस और यहाँ पे क्लॉक रेट एंटर। और इस लैपटॉप पे भी हमें डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा 70.1.1.2 सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1.70.1.1। अब हम इस राउटर पे जाते हैं, एक बार अपने रूट की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो IP रूट, यहाँ देखिए अभी तक हमारे इसके पास 70 और 60 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि 30 सेकंड का टाइम होता है तो हर राउटर अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा। 1 2 इस राउटर पे आके देखते हैं, हम दोबारा एक बार फिर कमांड चला के देख लेते हैं। सो IP रूट एंटर, देखिए हमारे इस राउटर के पास सारे राउट की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इस पीसी पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट। और मान लो हम यहाँ से इस वाले नेटवर्क से इस नेटवर्क पे पिंग कर रहे हैं, तो इस नेटवर्क का IP है 10.10.1.2। देखिए आपका रिप्लाई आ रहा है, तो रिप के थ्रू हमें बस खाली नया नेटवर्क ऐड करना पड़ता है और उसी के ऊपर हमें रिप को अनेबल करना पड़ता है और सारी राउटिंग टेबल अपडेट हो जाती है। और हर राउटर पे जाके इंडिविजुअली हमें राउटिंग टेबल को मेंटेन नहीं करना पड़ता, यही रिप की एडवांटेज है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।